जहां पर निराला नगर में संघ पदाधिकारियों की बैठक और बी.एल. संतोष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मीटिंग और राधा मोहन सुनील बंसल मीटिंग में शामिल। 12:30 बजे बीजेपी ऑफिस में भी मीटिंग होगी और संघ से फीडबैक ले रहे हैं बी.एल. संतोष, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जा रही है। आपको बता दें 2022 की तैयारियों को लेकर के संघ से मीटिंग चल रही है और 12:30 बजे बीजेपी ऑफिस में संगठन की मीटिंग होने वाली है। तो आपको बता दें लगातार ये एक महीने में दूसरी बार है जब बी.एल. संतोष लखनऊ के दौरे पर रहे हैं। आज भी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले, तमाम नेताओं के साथ आज बैठक करने वाले हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। तो आपको बता दें 12:30 बजे बीजे ऑफिस में संगठन की मीटिंग होने वाली है और पदाधिकारियों की बैठक अभी चल रही है। बी.एल. संतोष स्वतंत्र देव सिंह भी मीटिंग में शामिल है, राधा मोहन सिंह और तमाम नेता यहां पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। और आपको बता दें संघ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में चल रही है और ये दूसरी बार है, एक महीने में दूसरी बार है जब बी.एल. संतोष लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले, मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें 12:30 बजे बीजेपी ऑफिस में संगठन की एक मीटिंग भी होने वाली है और आपको बता दें सरस्वती कुंज में एक महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल चल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, की लगातार दूसरी बार है जब बी.एल. संतोष लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हैं, एक महीने में ये दूसरी बार है, कितना महत्वपूर्ण उनका दौरा आज का माना जा रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण बैठकें करनी है, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करनी है और इस वक्त भी निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के सरस्वती कुंज में संघ के नेताओं के साथ बैठक चल रही है, भाजपा के नेताओं की। बी.एल. संतोष है, लखनऊ की पूरी टीम है उनके साथ, साथ ही साथ राधा मोहन सिंह भी जो कि प्रभारी है वो भी इस वक्त मौजूद है। और आप देखिए कि यहाँ पर अमूमन जो पार्टी और संघ के जो कार्यक्रम होते हैं सरस्वती कुंज में हुआ करते हैं और यहाँ पर इस समय संघ के जो कुछ प्रमुख नेता हैं अवध प्रांत के वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है और यहाँ से निकलने के बाद पार्टी दफ्तर में अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। तो सबसे खास बात यही है कि संघ की जो ओपिनियन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। 2022 के चुनाव आने हैं, आने वाले समय में पार्टी के जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा करनी है। तो ऐसे में संघ के नेताओं से बातचीत चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है कि आगे कैसे पार्टी के कार्यक्रमों को आगे ले जाया जाएगा, 2022 के चुनाव में कैसे काम करना है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो संघ की जो भूमिका है, संघ की जो ओपिनियन है वो पार्टी लाइन तय करती है और इसीलिए आप यहाँ पर देखिए कि बी.एल. संतोष तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, 1.25 घंटे से मौजूद है यहाँ पर, संघ के नेताओं से बातचीत चल रही है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ की मीटिंग के जो मिनट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो बेहद अहमियत रखते हैं और उसी के आधार पर जो पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाने हैं, जो आयोजन होना है, पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना, ये तमाम बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहाँ के मीटिंग के जो मिनट्स निकलेंगे उसके आधार पर पार्टी की जो इंटरनल मीटिंग्स होती है उसको तय किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए 12:30 बजे की एक मीटिंग की, बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्या कुछ मुद्दे इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए, बी.एल. संतोष जब पिछली दफा आए थे तभी ये तय कर दिया गया था कि 21 और 22 जून को लखनऊ में दोबारा रिव्यू मीटिंग्स करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे, जिला पंचायत का जो चुनाव होना अध्यक्ष का उसको लेकर के लोगों से फीडबैक लेंगे ताकि पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा 26 तारीख से पहले कर सके। दूसरी बात, जो पार्टी के आने वाले समय में जो कार्यक्रम तय किए जाने हैं उनकी रूपरेखा क्या होगी, कितना रखी जाएगी, 2022 के जो इलेक्शंस यूपी में असेंबली के होने हैं, किस लाइन पर चलना है, साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन जिस लिहाज से अब यूपी की सरकार हो या देश की सरकार हो, कोविड महामारी के दौरान सवाल उठे थे, आने वाले समय में पार्टी के जो आयोजन है, कार्यक्रम है, उसके जरिए इससे भी पार्टी को ऐसा लगता है कि लाभ लिया जा सकता है इन आयोजनों के जरिए। तो ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका में आने जा रहा है आज की मीटिंग में, इसको लेकर के भी कोई ना कोई एक ऐसी रूपरेखा, ऐसी कार्य योजना तय की जाएगी। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।